जो भी रिकॉर्डिंग हमारी कास्ट होगी। जी भाई, कुछ नहीं सर, वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ओके। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा है कि जो भी कास्ट ये डिपार्टमेंट इनकर करेगा, मटेरियल हो, वो लेबर हो या FOH हो, वो हमें यहाँ बता देगा कि उनकी टोटल कास्ट उसने कितनी इनकर की, तो उन कास्ट का टोटल भी हो जाएगा। अब दूसरा सवाल ये है कि हमने इनकी कैलकुलेट करनी है पर यूनिट कास्ट, कि पर यूनिट कास्ट मटेरियल कितना अप्लाई क्या क्या आ रहा है, पर यूनिट कास्ट लेबर की क्या आ रही है, और पर यूनिट कास्ट हमारे पास FOH की क्या आ रही है। इसके लिए हम बनाते हैं एक स्केड्यूल, उसे कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट स्केड्यूल। यानी कि हमें यहाँ बेसिकली यूनिट कास्ट कैलकुलेट करने के लिए ये टोटल कास्ट को डिवाइड करना है कि इक्विवेलेंट मटेरियल के यूनिट कितने प्रोड्यूस हुए इस डिपार्टमेंट से। तो वो इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ लेबर, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ FOH कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, हम इक्विवेलेंट यूनिट देखेंगे। हमारे पास यहाँ से हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, ट्रांजिशन, कुछ यूनिट कंप्लीट हो गए, कुछ प्रोसेस में है, कुछ नॉर्मली लॉस हो गए। ठीक है, जब ना हम यहाँ देखेंगे कंप्लीट यूनिट, वर्क इन प्रो सॉरी वर्क इन प्रोसेस यूनिट, और तीसरे नंबर पे हम लेंगे नॉर्मल लॉस, और यहाँ हम लिख देते हैं मटेरियल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जो यूनिट इस डिपार्टमेंट ने कंप्लीट कर लिए वो थे 8000 यूनिट। जब 8000 यूनिट कंप्लीट हो गए तो इसका मतलब है कि ये विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल भी कंप्लीट है, विद रिस्पेक्ट टू लेबर भी कंप्लीट है, विद रिस्पेक्ट टू FOH भी कंप्लीट है। जब ये हर हिसाब से कंप्लीट हो गए तो तभी ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुए ना। तो यानी कि जब हम मटेरियल के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट बनाएंगे तो वो 8000 के पूरे यूनिट आ जाएंगे जो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक हो गया। फिर जो वर्क इन प्रोसेस है, इसमें भी मटेरियल अभी लगा है, तो वो एनालिस्ट ने बताया कि वर्क इन प्रोसेस जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 75% मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो चुके हुए हैं। ठीक है, तो 1500 यूनिट टोटल है, और वो कहता है ये 1500 यूनिट जो है ना इसमें 75% अप्रोक्सीमेटली जो है मटेरियल का लग चुका हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन वर्क इन प्रोसेस यूनिट को इसकी मटेरियल की स्टेज ऑफ सॉरी ये यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, ये बल्कि मैं यहाँ लिखूंगा कि मेरे जितने वर्क इन प्रोसेस यूनिट हैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन से, यानी 75% ये कंप्लीट है। तो इफेक्टिवली मैं ये कह सकता हूँ कि 1125 यूनिट वर्क इन प्रोसेस में से मटेरियल अप्लाई हो चुका हुआ है। यानी कि मैं वर्क इन प्रोसेस की जो इन्वेंट्री है उसके ऊपर कितना मटेरियल इफेक्टिवली अप्लाई हो चुका हुआ है वो लिख दूंगा। 1500 यूनिट प्रोसेस में थे और 75% वो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट है। तो जब मैं 1500 को इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो इफेक्टिवली मैं ये कह सकता हूँ कि 1125 यूनिट वर्क इन प्रोसेस में से मटेरियल लग चुका हुआ है। नॉर्मल लॉस को हम नॉर्मली कंसिडर नहीं करते क्योंकि ये वो लॉस है जो होना ही होना है, तो इसलिए ये यूनिट स्किप हो जाएंगे यहाँ से। तो अब मैं ये देखूंगा टोटल यूनिट कितने आ गए मेरे मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, 8000 कंप्लीट वाले, वर्क इन प्रोसेस वाले, और लास्ट को नॉर्मली हम इसमें कंसीडर नहीं करते। तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरी ये मटेरियल लगा है 19000 का इस डिपार्टमेंट में, ये 9125 यूनिट इससे इफेक्टिवली मटीरियल के कम्प्लीट हुए। ठीक है, इसी तरह मैं लेबर में, जब 8000 कंप्लीट यूनिट है तो 8000 कंप्लीट यूनिट पे लेबर अप्लाई हो चुकी है, FOH में भी 8000 कंप्लीट है तो 8000 के 8000 पे FOH भी इफेक्टिवली अप्लाई हो गई है। लेकिन यहाँ वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आएंगे तो लेबर कितने यूनिट्स पे अप्लाई हुई, 1500 वर्क इन प्रोसेस में, और वो इफेक्टिवली कितने कंप्लीट है, 50% कन्वर्जन। क्या मतलब है, लेबर और FOH इस पे 50-50% अप्लाई हो चुकी है।
तो 1500 का इफेक्टिवली हम क्या करेंगे, 50% ले लेंगे, 1500 मल्टीप्लाई बाय उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन 750। इसी तरह लेबर की, तो नॉर्मल लास्ट को मैंने आपको बताया कि हमने कंसीडर ही नहीं करना, ठीक है। तो फिर हम मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेबर ऐड कर, यूनिट ऐड कर लेंगे और FOH के हिसाब से भी इनकी टोटलिंग कर देंगे। तो ये बेसिकली जो मेरे पास कॉलम आ गया है जिसको अभी मैं कलर्ड करने लगा हूँ, ये बेसिकली इफेक्टिवली कंप्लीट यूनिट है, ये वाले मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाले लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वाले जो है FOH के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट यूनिट है। अब मैं करूँगा क्या, मैं सबसे पहले इसकी टोटल कास्ट लूंगा मटेरियल की, इसको डिवाइड कर दूंगा जो इसके इफेक्टिव इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट है, ये वाले 9125 जो इसके इफेक्टिव इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट है, जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास मटेरियल की पर यूनिट कास्ट आ जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे मैं लेबर के लिए क्या करूंगा कि मेरे 15,000 यूनिट्स हैं, थोड़ी 15,000 मेरी टोटल लेबर अप्लाई हुई और उससे कितने इफेक्टिवली यूनिट प्रोड्यूस हुए, 8,750, इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगा। सॉरी मैंने डिवाइड कर फंक्शन अप्लाई नहीं किया, 15,000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ लेबर, जब मैंने ये किया तो लेबर की भी मेरे पास पर यूनिट कास्ट आ गई। इसी तरह मैं FOH के ये टोटल कास्ट लूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा FOH के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से, तो ये मेरे पास इसकी जो पर यूनिट कास्ट आ जाएगी FOH की भी, और फिर मैं इनको सम कर दूंगा तो ये मेरे पास बेसिकली अब हमारे पास पर यूनिट कास्ट भी निकल आई जो इस डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस की है, ठीक हो गया। ये हमारा दूसरी स्टेज थी जिसमें हमने टोटल कास्ट और यूनिट कास्ट निकालना सीखा। यूनिट कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट चाहिए थे और ये मैंने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का एक स्केड्यूल तैयार किया जिसमें से मुझे ये पता लगा कि मैंने कितने प्रोडक्शन इफेक्टिवली प्रोड्यूस किए हैं। उसमें मैं ऊपर कंप्लीट यूनिट, वर्क इन प्रोसेस यूनिट, नॉर्मल लास्ट, ये तीनों तरह की चीज़ें लिख लूँगा। वो कहाँ से मैं देखूँगा, जो जो यूनिटों की डिवीजन हुई है स्टार्ट करने के बाद, उन तरह सभी यूनिट्स को ऊपर लिख लूँगा और जो कास्ट मैंने अप्लाई की मटेरियल लेबर FOH इधर लिख लूँगा। कंप्लीट यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जिन पे हाँ 100% मटेरियल लग गया, 100% लेबर, 100% FOH, वो मैंने डायरेक्टली कंप्लीट यूनिट में सारे लिखे। वर्क इन प्रोसेस यूनिट में मैं इफेक्टिवली उतने यूनिट लिखूंगा जितने कंप्लीट हुए, 1500 तो प्रोसेस में है, 75% उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन थी मटेरियल के हिसाब से, मैंने 1500 को 7500 के साथ ये देखे 75% ले लिया उसका, तो मेरे पास 1125 आ गए। लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 50% कंप्लीट है तो मैंने 1500 का 50% ले लिया, और फिर इसी तरह ये FOH के पॉइंट ऑफ व्यू से 50% क्लियर है तो मैंने FOH का भी 50% ले लिया। नॉर्मल लॉस को नॉर्मली हम नहीं कंसीडर करेंगे। अब अगर नॉर्मल लॉस को यहाँ मैं कंसीडर करता तो यूनिट बढ़ जाते तो ये पर यूनिट कास्ट कम आती, तो नॉर्मल लॉस को अगर हम नहीं लेंगे तो ये यूनिट कम होंगे कंप्लीट यूनिट, जब ये कंप्लीट यूनिट कम होंगे तो इसकी यूनिट कास्ट ज़्यादा आएगी, यानी कि नॉर्मल लॉस को जस्ट इग्नोर कर देने की वजह से जो है हमारी यूनिट कास्ट बढ़ गई। और इसकी यूनिट कास्ट बढ़ाने का मकसद भी यही है कि नॉर्मल लॉस के ऊपर जितना एक्सपेंस हुआ हम उनकी जो इफेक्टिवली उसको भी प्रोडक्ट कास्ट का हिस्सा बना रहे हैं, नॉर्मल लॉस को के यूनिट्स को हम कंसीडर नहीं कर रहे। जब वो यूनिट हम कंसीडर नहीं करेंगे हमारे टोटल यूनिट्स कम आएंगे, टोटल यूनिट जब इनके ऊपर कम डिवाइड करेंगे तो ये यूनिट कास्ट बढ़ जाएगी, तो नॉर्मल लॉस ऑटोमेटिकली इस यूनिट कास्ट के अंदर अपना एक एडजस्टमेंट इम्पैक्ट दे देगी, ठीक है। तो ये था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। यहाँ से फिर हमने इसके ऊपर मटेरियल को, मटेरियल के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट 9125 से डिवाइड किया पर यूनिट कास्ट आ गई, लेबर को लेबर के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड किया तो पर यूनिट कास्ट आ गई, और FOH को FOH के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड किया तो पर यूनिट कास्ट आ गई, और जब हमने तीनों को ऐड किया तो यहाँ हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कास्ट आ गई यूनिट बेस पे कि एक यूनिट पे हमारी इतनी मटेरियल, लेबर और FOH अप्लाई हो रही है। तो ये सारी स्टोरी थी हमारी सेकेंड डिपार्टमेंट की। अब हम ये देखेंगे कि ये हमने कास्ट इनकर कर दी और ये हमारे पास यूनिट कास्ट भी आ गई, तो हम ये अब थर्ड एक स्केड्यूल बनाएंगे और उससे ये टेस्ट करेंगे कि हमारी कास्ट ऑफ गुड्स कंप्लीट है या नहीं। थोड़ी सी माजरत, फिर मुझे 2 मिनट दे दें सिर्फ, वो लेबर बार बार मुझे बुलाती है, मेरे अलावा घर में कोई है नहीं, सिर्फ 2 मिनट दे दें फिर मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेता हूँ।